जौनपुर के किराकत विधानसभा में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने से प्रशासन बचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि किराकत एसडीएम कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगाए तो गाड़ियां धड़ल्ले से पहुंच गई, पर भाजपा का झंडा लगा देख वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने अपनी नज़र को दूसरी तरफ फेर लिया। वहां मौजूद किसी ने गाड़ी का वीडियो बना लिया है जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की चारों तरफ से किरकिरी हो रही है। कई घंटा बीत जाने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुसूचित प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सोनकर गांगुली ने कहा कि यहां का प्रशासन भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मैं अनिल सोनकर गांगुली, पूर्व जिला अध्यक्ष, अनुसूचित प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी जौनपुर। आज वायरल हो रही एक वीडियो पर वर्तमान विधायक किराकत भारतीय जनता पार्टी के दिनेश चौधरी जी द्वारा आचार संहिता की खुली धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया और तहसील मुख्यालय उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास। और जैसे प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, हम आचार चुनाव आयोग से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उक्त विधायक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ उप जिलाधिकारी किराकत के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जिससे आचार संहिता का पालन हो सके।